नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार सोनकर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में किसी भी जगह पर अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड या अवैध रूप से जो गैर कानूनी धंधे संचालित हैं उनको किसी भी हालत में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के लिए उन्होंने साफ दिशा निर्देश जिला प्रशासन को भी दिए थे कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के काम में जो लिप्त हैं या जहां पर ऐसा हो रहा है वहां पर जाकर अपनी कार्रवाई करें, दंडात्मक कार्रवाई करें। और इसी का असर आज जो है जनपद जालौन के कालपी में देखने को मिला है, जहां क्षेत्राधिकारी के दिशा निर्देशन में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आज जो है लगभग 3 दर्जन से अधिक ऑटो सीज किए हैं, जो कि जिन पर आरोप ये है कि वो अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड की तरह आवागमन बाधित कर रहे थे, टैक्सी स्टैंड संचालित कर रहे थे। इस संबंध में जब टैक्सी स्टैंड के मालिक या जो टैक्सी चालक हैं या टेम्पो चालक हैं उनसे हमने बात की, उनका दर्द ये था कि प्रशासन पहले हम लोगों के लिए वैध रूप से जो व्यवस्था है उसको तो करा दे भाई, हमें ये भी तो पता चले कि कौन सी जगह वैध है कौन सी जगह अवैध है। अब इन दोनों के बीच में असमंजस है, वो जहां जगह मिलती वहां खड़े हो जाते हैं। और इसी लेकर ऐसा हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद जब हमारे सहयोगी ने क्षेत्राधिकारी से बात की तो उनका कहना यह था कि वो नगर पालिका के साथ मिलकर बैठ करके एक असामंजस्य स्थापित करके एक ऐसी जगह स्थित जो है चयनित करेंगे जहां पर इन लोगों को व्यवस्थित किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आज सुबह के मुख्यमंत्री की जो मंशा है वो आज जनपद जालौन में सार्थक होती दिखाई दी है कि अवैध रूप से संचालित टैक्सी स्टैंड या जो जिस तरीके का जो ऑटोस का जमावड़ा था वो आज कहीं ना कहीं जो है साफ होता नजर आया है। सर, मुन्नपुर पावर में ऑटो स्टैंड बना था, आज ऑटो स्टैंड वालों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, क्या है पूरे मामले? काफी दिनों से सूचना आ रही थी कि मुन्नपुर चौराहे के पास और भी आसपास के क्षेत्रों में जो ऑटो हैं अवैध तरीके से पार्क हो रहे हैं और एक तरीके से अवैध जो स्टैंड बना लिया है उसके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। इसमें करीब 3 दर्जन ऑटो को सीज किया गया है और भी उनको हिदायत दी गई है कि आप यहाँ पे अवैध तरीके से पार्किंग ना करें और नगर पालिका प्रशासन के साथ हम समन्वय स्थापित करके उनके लिए जो वैध जो पार्किंग की जगह होगी या वैध स्टैंड होगा उसकी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। फिलहाल यह है कि हम किसी भी को इलीगल तरीके से यहाँ पार्क नहीं करने देंगे। अच्छा सर, ऑटो वालों के लिए क्या मैसेजिंग खास तौर से आप उनके लिए? ऑटो वाले से हम ये कहना चाहते हैं हम आपके लिए नगर पालिका और प्रशासन से मिलकर तहसील के साथ मिलकर आपके लिए कोई वैध जगह हम सुनिश्चित कराएंगे जहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जहाँ सवारियाँ बैठा सकते हैं यहाँ से, लेकिन इलीगल तरीके से अवैध तरीके से शहर के जो मेन चौराहे हैं वहाँ पर अगर आप अपना ऑटो पार्क करते हैं तो वो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये है कि यहाँ पर जितनी गाड़ी चल रही है जी, दरअसल में अगर मान लो इंसान अगर नहीं समझ पाता है तो उसको बताया जाता है, अगर कोई कह दिया कि फला काम है तो अगर गाड़ी एक नहीं तो दूसरी जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक के चक्कर में पूरी गाड़ी सब सफेद दो एक तरफ से, कोई प्रॉब्लम हो वो बताओ। कागज़ कंप्लीट ना हो तो गाड़ी पकड़ो, लाइसेंस ना हो तो गाड़ी पकड़ो, बिना कागज सब कंप्लीट होते हुए भी गाड़ी पकड़ी जा रही, चालान भी TI भी अपना मनमानी कर रहा है जद्दों को जब चालान मार रहा है। अभी इस मामले में प्रशासन से कोई बात हुई है आप लोग की? अभी कोई बात नहीं हुई,